भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ जिला कोरिया इकाई के जिला अध्यक्ष श्री सावन जी की अध्यक्षता में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर राहगीरों को शरबत वितरण किया गया। आपको बता दें कि आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर भगवान प्रसाद उपाध्याय के आदेशानुसार तथा छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष महेश प्रसाद एवं प्रदेश महासचिव सत्येंद्र सोनी प्रदेश के दिशा निर्देश पर आज भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ कोरिया इकाई के अध्यक्ष सावन कुमार के नेतृत्व में हल्दीबाड़ी पेट्रोल पंप के सामने राहगीरों को शरबत वितरण किया गया। आपको बता दें कि आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर भगवान प्रसाद उपाध्याय आदेशानुसार तथा छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष महेश प्रसाद एवं प्रदेश महासचिव सत्येंद्र सोनी प्रदेश के दिशा निर्देश पर आज भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ कोरिया इकाई के अध्यक्ष सावन कुमार के नेतृत्व में हल्दीबाड़ी पेट्रोल पंप के सामने राहगीरों को शरबत वितरण किया गया, जिसमें कोरिया जिले के सुरेश कुमार, कविराज विश्वकर्मा, जय गांगुली, बाला राव, मनीष सिंह, भरत बहेरा, देवेंद्र सिंह, संजू अन्य सभी वरिष्ठ पत्रकार मौजूद रहे। जैसा कि भारत में पत्रकारों के स्वतंत्रता को लेकर अक्सर हमने चर्चा होते देखी है, फिलहाल दुनिया भर में हर साल 3 मई को विश्व प्रेस आजादी दिवस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। भारत के साथ ही दुनिया भर में मीडिया की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। लोकतंत्र को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए ही हर साल वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे सेलिब्रेट किया जाता है। प्रेस की आजादी के लिए पहली बार साल 1991 में अफ्रीका के पत्रकारों ने मुहिम छेड़ी थी। इन पत्रकारों ने 3 मई को प्रेस की आजादी के सिद्धांतों को लेकर बयान जारी किया था, जिसे डिक्लेरेशन ऑफ विंडहुक के नाम से भी जानते हैं। इसके ठीक 2 साल बाद यानी साल 1993 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने पहली बार विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाने का फैसला किया था। उस दिन से लेकर आज तक हर साल 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। कोरिया से कविराज विश्वकर्मा की रिपोर्ट। जैसा कि आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है, जिसके उपलक्ष्य में आज भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ कोरिया इकाई द्वारा हल्दीबाड़ी पेट्रोल पंप पर यहाँ पर शरबत वितरण का आयोजन किया जा रहा है।